आई एम निवेदिया राशिद, यू आर वॉचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपने थायराइड ग्लैंड को, और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, और थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसके कम और ज़्यादा होने से कौन कौन से डिजीज कॉज होती है, और बाकी एट लास्ट आई विल टेल यू विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड। सो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड के लोकेशन से। जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल ही हमारी ट्रेकिया के फ्रंट पे, ट्रेकिया की बेस पे पाया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है ना, ये हमारा ट्रेकिया है। इसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको सांस की नाली कहते हैं। और इस ट्रेकिया के ऊपर आपको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि बाइलोब लोबियंस की, और यही हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब आप ये तो इसकी लोकेशन थी, अब आगे देखते हैं कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। और ग्लैंड की थ्री हार्मोन सेक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज़ T3 जिसको हम ट्राईआयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ T4 जिसे हम टेट्राआयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और थायरोऑक्सिन भी कह सकते हैं, टेट्रामीन 4 ट्रायमीन 3। और लास्ट थर्ड वन इज़ कैल्सिटोनिन। और बाकी हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम T4। अच्छा, जो T3 और T4 होते हैं ना, T4 हार्मोन होते हैं, ये चिल्ड्रंस में अहम किरदार अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिज़िकल ग्रोथ के लिए। T4 का जो है ना, बड़ों में भी जो है इसका नॉर्मल रहना ज़रूरी है और बच्चों में भी नॉर्मल रहना ज़रूरी है। अगर ये अपनी रेंज से, यानी कि हार्मोनल लेवल अगर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो कुछ डिजीज़ कॉज होती है, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। T3 और T4 हार्मोन्स एल्डर्स में, यानी कि अगर बड़ों में ये कम प्रोड्यूस होता है तो एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको हम कहते हैं मैग्जिडिमा। मैग्जिडिमा डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि बंदा जो है ओवरवेट हो जाता है और हेयर लॉसिंग होने लग जाती है, और जो है स्लगेज सुस्ती हो जाती है उसे बहुत ज़्यादा, और जो है इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, यानी कि उस बंदे से ना सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ये सब जो सिम्टम्स हैं ये मैग्जिडिमा की हैं, जो जब कॉज होती है, जब ये कम प्रोड्यूस होता है एल्डर्स में। तो मैंने बताया कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अगर ये बड़ों में कम प्रोड्यूस हो तो एक डिजीज़ कॉज होती है मैग्जिडिमा। इसको हम टर्न कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से भी, क्योंकि हाइपो मीन लेस समझ लो, और थायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड के से रिलेटेड ही कोई डिजीज़ हो ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी टर्न कर सकते हैं। और अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म अर्ली एज में हो जाए, यानी चिल्ड्रंस में हो जाए, तो जो डिजीज़ उन चिल्ड्रंस में कॉज होती है वो होती है क्रेटिनिज्म डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, T3 T4 बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जब वो कम प्रोड्यूस होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी उनमें। दूसरी बात यह है कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो अहम किरदार ही बच्चों में अदा करते हैं फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट में। इसके अलावा उनके फेशियल फीचर्स जो है वो कोर्स हो जाएंगे, मीन के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो फेशियल फीचर कोर्स हो जाएंगे उनके। वहाँ तक कि अभी मैंने बताया है कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोनल लेवल अगर कम प्रोड्यूस हो बच्चों और बड़ों में तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और उसकी मैंने आपको सब सिम्टम्स भी बता दिए हैं, कौन सी डिजीज़ कैसे कॉज होती है ये भी बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर जो है थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले T3 और T4 हार्मोन बच्चों और बड़ों दोनों का मिक्स करके बता रही हूँ, दोनों में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तब क्या होता है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले T3 T4 हार्मोन दोनों में अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए ना, तो इस कंडीशन को हम टर्म कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे लेस वाले को हमने हाइपो किया और ज़्यादा वाले को अब हम हाइपर टर्म कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी जो आई बॉल्स है ना, इनकी प्रोस्टिट्यूशन होने लग जाएगी, यानी कि फैलने लग जाएंगी। इस पिक्चर में ऊपर शो किया है मैंने कि किस तरह से ये जो है इनकी आई बॉल्स की प्रोस्टिट्यूशन होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा प्रोड्यूस होने को हम हाइपरथायरॉयडिज्म से टर्म कर सकते हैं, और उसकी मैंने आपको पहली कंडीशन भी बता दी है। अब उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अलावा जो है उसके सिम्टम जाहिर होंगे, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, जिस पर्सन का भी ये थायराइड हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस होगा, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, जब हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी उसको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी इसकी, बहुत ज़्यादा, और फिर उसको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे तो डिहाइड्रेशन होगी तो वेट लॉस हो जाएगा उसका। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के, जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन जो है T3 और T4 की बात करी, सिर्फ अभी कैल्सिटोनिन भी नहीं आई,
तो ये दो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ये जबकि कंडीशन है, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा हार्मोन है थायराइड, वो है कैल्सिटोनिन, और ये हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करता है हमारी, और ये जब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। प्रश्न ये आता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है और ये किस वजह से इनलार्ज हो जाता है। आयोडीन की कमी की वजह से, जब जो है थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलता, उसकी आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वो इस वजह से क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ग्लैंड आयोडीन की कमी की वजह से इनलार्ज हो जाता है। इस डिजीज़ को हम कम करते हैं गॉइटर, ये वही प्रीवियस वाली पिक्चर है, इसी डिजीज़ को हम गॉइटर कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम जो है इस गॉइटर को रिमूव करवा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड और उससे रिलेटेड हार्मोन जो सिक्रीट करता है, और उन हार्मोन से कम और ज़्यादा होने की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं, उन सब से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने बातें की हैं। और आई होप कि इट विल हेल्प यू, और इफ़ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।